नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। बिहार में जल प्रलय मचा है। उत्तर बिहार के करीब एक दर्जन जिलों में लाखों लोगों की जिंदगी पानी के बीच परेशानी से घिरी हुई है। कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियों ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोगों की आंखों में आंसू हैं। उन्हें चिंता है कि खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे। प्रशासन और सरकार अपनी तरफ से बेहतरी के दावे कर रहा है, लेकिन आलम यह है कि बाढ़ पीड़ित सरकार से ज्यादा जल देवता से गुहार लगा रहे हैं कि अब आप ही वापस जाइए और हमारी जान बख्शिए। इस सैलाब में सब कुछ बह गया है और बचा है तो आंसू। चला गया कैसे हमारा गेहूं था 30-35 किलो खाने के लिए, वो भी चला गया नीचे। और सामान सुमा था ट्रंक, कपड़ा जो खुल गया, ट्रंक नहीं उठ पाया हमसे, ट्रंक ने खुल गया ढक्कन, तो सब इतना कपड़ा बस्तर सब ढक गया हमारे, और बस कोई सहारा नहीं है। जान के साथ बच्चों का जहान बचाने की कोशिश। छात्रों की कॉपी जांचने के लिए शिक्षक सिर पर आंसर शीट लेकर जाते हुए। मूल्यांकन कार्य के लिए बीआरसी से प्रगति पत्रक रिसीव किए हैं और वहीं बीआरसी जा रहे हैं, मूल्यांकन कार्य चल रहा है। भर कमर से ज्यादा पानी होने का अनुमान है। मुजफ्फरपुर में कटरा के बकुची पावर ग्रिड के कैंपस में बाढ़ का पानी घुस गया। यहां 22 पंचायतों के करीब 40,000 लोग प्रभावित हैं। अब पावर सब स्टेशन बंद हो जाएगा तो कटरा प्रखंड के 22 पंचायत बिजली बाधित हो जाएगा, एकदम अंधेरा हो जाएगा। सीतामढ़ी में नदी में खड़े होकर महिलाएं प्रार्थना कर रही हैं कि हे जल देवता, अब तो जान बख्श दीजिए। ये चार तस्वीरें बिहार के 12 जिलों में बाढ़ की विनाश लीला की एक छोटी सी झलक पेश करती हैं। नेपाल में हो रही भारी बारिश भारत में भी कहर बरपा रही है। इसका सबसे ज्यादा असर बिहार में देखने को मिल रहा है, जहां नेपाल से सटे जिलों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सारा का सारा नुकसान हो गया। अभी तक हमको कुछ नहीं मिला है, न खाने के लिए कुछ मिला है, भूख लगा हुआ है, बाल बच्चा जो है भूखे पलप रहा है, क्या करें। 37 के करीब एकाएक बांध टूट गया, वहीं उसके बाद प्रशासन कुछ जवाब दे नहीं दिया, जवाब दे नहीं, देख ही रहे हैं स्थिति क्या है, सब लोग परेशानी में हैं, जो जहां है वहीं पड़े हुए हैं। जिस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, वो शोक अब लोगों के सिर पर नाच रहा है। कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण किया है। कोसी और गंडक नदी के बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर भारत के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। घर द्वार, खेत खलिहान सब कुछ पानी पानी हो चुका है। घर गिर गया, सरकार की कहे छी, माल जाल सब एने ओने सब बह गए, की कहे सरकार, घर गिर गया, कथी करू, माल बच्चा सब ने भूखे रहुआ जे की करू। घर में पूरा पानी घुसा हुआ पड़ा है। अच्छा। उसके बाद हम लोग के रोड पे आने की स्थिति मतलब हो गया है। माल जाल बकरी चकरी सब है रोड पर, धने छे बच्चा के लेकर रखने छे रोड पर, चौकी आर निकाल कर घर सब आर के दलिए, देखबे तक के लिए खाना पीना चूल्हे पर रह चढ़ा। नेपाल से सटे बिहार के जितने इलाके और जिले हैं, सब पानी पानी हो चुके हैं। लाखों लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। नेपाल में हुई बारिश के बाद बिहार के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। दरभंगा, सीतामढ़ी, बेतिया, बगहा, मधुबनी में हालात सबसे बुरे हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश के 7 तटबंध टूटे हैं।
जिनसे 3.5 लाख आबादी प्रभावित हुई है। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। बिहार सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द हो गई है। बांधों और तटबंधों पर निगरानी बढ़ा दी गई है, लेकिन लोगों के सामने अपने ही घर से बेघर होकर खाना बदोश की जिंदगी जीना आसान नहीं है। हमारे पास ही में घर है, हमारा गैस रात लड़का नहीं जब ट्रंक में उधरे थे दह गया हमारा घर, दूसरे घर में लोग रह रहे हैं। कोई सारा 30-35 किलो गेहूँ था वो भी दह गया ड्राम, उसी में हमारे पास कोई सारा, हम दूसरे घर में रहे, इंक्वायरी सर कर सकते हैं। मेरा लड़का पकड़ा गैस छोड़ दिया, चला गया गैस, हमारा गेहूँ था 30-35 किलो खाने के लिए वो भी चला गया नीचे। दुकान के अंदर सारा कमर भर डांड भर पानी है और सारा डूब गया, वही देखने गए थे, छानने का उपाय किया नहीं छनाया, सब बह गया। ये तस्वीरें दरभंगा के बाढ़ ग्रस्त तिकेश्वर नाथ थाना क्षेत्र की है, जहां शिक्षक अपनी जान को जोखिम में डालकर स्कूल तक पहुंच रहे हैं। यहां कमर से ऊपर तक पानी भरा है, बावजूद इसके टीचर्स अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। शिक्षक अपने सिर पर जांचने वाली कॉपी और हाथों में अपने चप्पल जूते लेकर बाढ़ के पानी के बीच से होते हुए स्कूल जा रहे हैं। हम तिलकेश्वर जा रहे हैं मूल्यांकन कार्य के लिए, बीआरसी से प्रगति पत्रक रिसीव किए हैं और वहीं बीआरसी जा रहे हैं, मूल्यांकन कार्य चल रहा है, भर कमर से ज्यादा पानी होने का अनुमान है। हम लोग भी स्कूल जा रहे हैं, पानी भर डर हो गया है, अब देखते हैं क्या होता होता है। स्कूल तो जाना जरूरी है क्योंकि बिहार सरकार इस बार में छुट्टी नहीं दी हुई है, इसलिए हम लोगों को स्कूल तो जाना ही जाना है क्योंकि मोबाइल से हाजिरी बनता है। धन माल का क्षति होगा या क्या होगा, हम लोगों को जो है सरकार तरफ से कोई नाव का जो है कोई व्यवस्था नहीं है, अनो सरकार हम लोगों को छुट्टी दे रही है। उत्तर भारत को दो दो नदियों के कोप का शिकार होना पड़ता है, इनमें से एक कोसी है और दूसरा गंडक। कोसी की बात करें तो इसका पानी नेपाल के भीमनगर बैराज से बिहार में प्रवेश करता है। इसमें बाढ़ का असर सुपौल, मधुबनी, सीतामणि, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया से लेकर कुरसेला तक पहुंचता है, जहां गंगा में कोसी नदी का संगम होता है। वहीं गंडक बराज से निकलने वाली गंडक नदी का पानी जब बिहार में प्रवेश करता है तो उसमें अगर बाढ़ आ जाए जैसा इस वक्त होता है तो बेतिया, बगहा, मोतिहारी से लेकर सोनपुर तक त्राहिमाम का वातावरण बन जाता है। सोनपुर वो जगह है जहां गंडक गंगा में जाकर मिलती है। बिहार पर कमोवेश हर बरसात में कोसी और गंडक का कहर टूटता ही है, लेकिन इससे बचाव का कोई उपाय हुक्मरानों को अब तक नहीं सूझा। बस बातें हैं और बातों का क्या है। बाढ़ पर माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार गंभीरता के साथ नजर बनाए हुए है, हर संभव सहायता पीड़ित लोगों को पहुंचाया जा रहा है। जो जलस्तर तेजी से पिछले दो दिनों में बढ़ा है, सभी जिलाधिकारी भी उस पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही अनुमान लगाया गया बाढ़ की, वैसे ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने अधिकारियों की सारी छुट्टियों को रद्द किए, आपातकालीन मीटिंग की गई और बाढ़ नियंत्रण के लिए जितने भी अवयव हैं सारी संस्थाओं को लगा दिया गया। तो नेपाल से पानी छूटना ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन हमारी तैयारियां हर वर्ष रिएक्टिव होती है, प्रोएक्टिव कभी नहीं होती है। मेरा पूरा इलाका अगर आप देखेंगे, सहरसा सुपौल से लेकर के मधेपुरा के कुछ हिस्से खतरा झेल रहे हैं। मैं समझता हूँ विस्थापन की भी जो एक प्रक्रिया में जो एक त्वरित चीजें होनी चाहिए थी उसका अभाव है। बाढ़ का पानी तो कुछ दिनों में नदी के पेट में चला जाएगा, लेकिन उससे उपजी मुसीबतें उत्तरी बिहार के लोगों को लंबे अरसे तक बेचैन करती रहेंगी। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि 21वीं सदी के बिहार में बाढ़ से बचाव के लिए लोगों को सरकार पर कम, बाढ़ लाने वाली नदी पर ही ज्यादा भरोसा है। सीतामणि से प्रभाकर कुमार के साथ एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त उत्तर भारत अगर बाढ़ में डूबा हुआ है तो इसकी एक बड़ी वजह
नेपाल में आई बाढ़ है। नेपाल की नदियां, नेपाल के बराज में पानी जरूरत से ज्यादा हो गया है। वो छोड़ा हुआ पानी बिहार में लोगों की जिंदगी में त्राहिमाम मचा रहा है। उस पर से नदियों और बांधों में जमे गाद की सफाई ना होने से भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंगा, कोसी, गंडक, सोन, बागमती, ये वो नदियां हैं जिनमें आई बाढ़ बिहार में हाहाकार मचा देती है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि हर साल बाढ़ आएगी और लोग इसी तरह से परेशान होते रहेंगे? इसका जवाब इसी सवाल में छुपा है कि बिहार, खासकर उत्तर बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आती क्यों है। इसका एक बड़ा कारण मानसून के दौरान भारी बारिश है। इस साल पिछले कई सालों की तुलना में ज्यादा बारिश हुई है। इसके कारण नेपाल की पहाड़ियों से बहने वाली नदियों में जल स्तर और भी बढ़ गया है। हालांकि नेपाल खुद भी बाढ़ से बुरी तरह त्रस्त है। वहां भूस्खलन और मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि अब तक 192 लोगों की जान चली गई है, जबकि सैकड़ों लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। नेपाल में चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। घर, खेत खलियान सब बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। बता दें कि काठमांडू घाटी में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण लगभग सभी प्रमुख हाईवे बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने देश के 56 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नेपाल से तबाही की बाढ़ बिहार में इस कदर आई है कि सीतामढ़ी में बागमती का वेग इतना तेज हो गया कि जितना पिछले 22 साल में कभी नहीं था। उधर भी आ गए, इससे भी ज्यादा है। नगर पंचायत का क्षेत्र पड़ता है, बसौल उसौल मतकौल जो पड़ता है उसमें, यहाँ से भी ज्यादा बदतर हाल है। और यहाँ पताही पंचायत में तो हाल है ही, गांव में जहाँ पर आप बोल रहे हैं बदतर हाल, वहाँ पर भी लोग अभी हैं रखे, एकदम है सर, सब छत पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं सर। जाने का जान माल सब दग गया है सर। बेलसन, मतकौल, रुपौली, सौली, मारर, ये सब पर क्या हुआ, एक तला से 15 फीट से ज्यादा हाइट में पानी चला, वहाँ जान माल भी मवेशी दग गया, आदमी मर गया, रहने के लिए कोई शरण नहीं है। कहीं 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 एनडीआरएफ की टीम बेचारे लोग लसाता करके सही जगह कर रहे हैं। दरअसल नेपाल से आने वाली कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियां अपने साथ गाद और मलबा लाती हैं, जो नदियों के बहाव को अवरुद्ध करता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न भी करता है। नदियों और बांधों में गाद के जमाव के कारण नदी का तल ऊंचा हो जाता है। इससे नदी की जल संग्रह क्षमता घट जाती है और अतिरिक्त पानी की बाढ़ के रूप में लोगों की बर्बादी का सबब बन जाता है। वहीं बिहार की जमीन काफी हद तक समतल है, जिसके कारण पानी का प्राकृतिक बहाव काफी धीमा है। इसके कारण बाढ़ का पानी लंबे समय तक जमा रहता है। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिक्कतों से निपटने के लिए ना पर्याप्त बांध है, ना बेहतरीन निकासी तंत्र तैयार किए गए हैं। सीतामढ़ी के गांव में, जो बेलसंड के इलाकों में, जो अंदर का नज़ारा है, जो कैसे लोगों के घर में पानी घुसा हुआ है, पूरा का पूरा टापू बन गया है, और कैसे लोग जो है फंसे हुए हैं और अपनी ज़िंदगी इस पे बसर कर रहे हैं। और हम इस पे आपको लगातार यहां से खबरें दिखाते रहेंगे। इसी तरह की तस्वीरें पूर्णिया में भी हैं, सुपौल में भी हैं, दरभंगा में भी हैं, वहाँ पे भी इसी तरह का माहौल है और लोग जो है बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं। बांध पर भी तो जगह नहीं है, बारिश है, तंबू का व्यवस्था नहीं है, ना कोई व्यवस्था है, तो हम लोग घर में ही हैं। सारा रात हम लोग ऊपर ही रहे हैं, दोपहर के बाद आए हैं आज। वैसे सरकार का दावा है कि बाढ़ से बचाव के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, इनमें तटबंधों के निर्माण की दुहाई दी जाती है, लेकिन भारी बारिश और रखरखाव के खराब प्रदर्शन के कारण अक्सर तटबंध टूट जाते हैं। जाहिर है कि बिहार के लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए नेपाल के हालात और प्रशासन की चुस्ती दोनों की सख्त जरूरत है। सीतामढ़ी में प्रभाकर कुमार के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं बाढ़ से बेहाल। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश भी बाढ़ से पीड़ित है। नेपाल से छूटे पानी के कारण उत्तर प्रदेश के तराई के कई जिलों में बाढ़ आ गई है। कुशीनगर से लेकर महाराजगंज और बलिया तक लोग जल सैलाब से परेशान हैं। नेपाल के गंडक बैराज से 5,65,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद गड्ढा तहसील के आधा दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। सड़क पर पानी भर जाने के कारण इन गांव का संपर्क जिले के दूसरे हिस्से से कट गया है। गांव में रहने वाले लोगों ने घर में पानी भर जाने के बाद छतों पर शरण ले रखा है। घर के छतों पर ही उनका भोजन बन रहा है और छत पर ही सो रहे हैं। उससे पूरा जल जमा हो गया है। घर में खाना वगैरह कुछ नहीं बन पाया है। रात से ही बहुत लोग सारे लोग जो है भूखे हैं और बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि पानी से तबाही लोग हो गए हैं। खाने और पीने का सब व्यवस्था भी नहीं है कोई। इस वक्त उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कुशीनगर के अलावा महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बलिया, गोंडा, कानपुर, सीतापुर, हरदोई, फतेहपुर और शाहजहांपुर में भी बाढ़ का पानी आ गया है और हजारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।